हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। आज की इस वीडियो में माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिए गए हैं कि इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें आपको माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल वर्नियर कैलिपर एंड वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर, यह सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के एग्जाम्स में। तो इनमें से मैंने वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत से लेकर सभी कुछ क्लियर कर चुके हैं। निर्माण सिद्धांत एवं उसका प्रयोग कहां पर यूज होता है उसका सारा फंडामेंटल क्लियर किया है एंड सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर करके एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाया है आपका वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, यदि आपने वह वीडियोस को नहीं देखा है तो वह वीडियोस को लिंक से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और डिजिटल माइक्रोमीटर और डायल वर्नियर कैलिपर का फंडामेंटल ओनली क्लियर करेंगे, तो वहां से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है बाह माइक्रोमीटर में निहाई का मुख तथा स्पेंडल निम्न का बना होता है, यानी कि यहां पर बोला है आउटसाइड माइक्रोमीटर में निहाई यानी कि एनविल का मुख यानी कि फेस तथा स्पेंडल का फेस निम्न का बना होता है। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं, जब हमारा माइक्रोमीटर का एनविल का फेस और स्पेंडल का फेस दोनों ही हमारे कॉन्टेक्ट फेस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारा वर्कपीस को जब हम मेजर करते हैं तो जो हमारा कॉन्टेक्ट एरिया होता है वह एक कॉन्टेक्ट सर्फेस हमारी एनविल का फेस होता है एंड दूसरा कॉन्टेक्ट सर्फेस जो होता है वह हमारा होता है स्पेंडल का फेस। उसके अलावा यह हमारा पूरा माइक्रोमीटर इस टाइप से रहता है, तो यहाँ पर इस टाइप से हमारा कॉन्टेक्ट फेस होता है। तो कॉन्टेक्ट फेस होने के कारण यह हमारा घिसने से बचने के लिए, वियर से बचने के लिए, इसे हम टंगस्टन कार्बाइड की लेपित कर देते हैं, इसके फेस पर टंगस्टन कार्बाइड लगा देते हैं, तो यह टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मान निम्न होता है। तो सबसे फर्स्ट तो मैं माइक्रोमीटर के सभी स्केल को आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वह थिम्बल स्केल, मैन स्केल, मैन डिवीजन यानी कि एंड सब डिवीजन, सभी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो क्लियर करते हुए चलेंगे अपन, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो देखिए, माइक्रोमीटर में तीन स्केल होती हैं। सबसे फर्स्ट बात करें तो हमारी होती है मैन स्केल। मैन स्केल एक मैन डिवीजन बराबर हमारा एक मिलीमीटर होता है, यानी कि एक मैन डिवीजन एक मैन स्केल बराबर 1 मिलीमीटर। एंड दूसरी बात करें तो दूसरा होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन की बात करें तो एक सब डिवीजन बराबर होता है 0.5 मिलीमीटर। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर यह हमारा माइक्रोमीटर का स्लीव होता है, इसमें एक हमारी बड़ी लाइन, उसके बाद एक छोटी लाइन, उसके बाद फिर से एक बड़ी लाइन, उसके बाद छोटी, इस प्रकार रहती है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यह मेन डिवीजन है, जो बड़ी लाइन है वह मेन स्केल है, यानी कि एक बड़ी लाइन से दूसरी बड़ी लाइन तक एक मेन स्केल है, उसके बीच में जो छोटी लाइन होती है वह हमारी क्या कहलाती है? सब डिवीजन कहलाती है। क्लियर है? तो जो हमारा एक बड़ी से छोटी लाइन के बीच की दूरी सब डिवीजन यानी कि 0.5 मिलीमीटर होती है, और बड़ी से बड़ी 1 मिलीमीटर, जो मेन स्केल कहलाती है। अब बात आती है थिम्बल स्केल की, तो थिम्बल डिवीजन क्या है? तो इसके स्लीप के ऊपर हमारा बैरल पर एक वेवल्ड सरफेस होती है इस प्रकार से। तो ये जो बेवल्ड सरफेस आपकी होती है यह क्या होती है, इसको हम 50 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि इस पर जो है 50 रेखा पूरे राउंड में 50 रेखा होती हैं, और यह 50 रेखा एक सब डिवीजन के बराबर होती हैं, यानी कि यदि हम इस थिम्बल को एक राउंड कंप्लीट, यानी कि यह हमारा जीरो है और यह बैरल की जीरो लाइन से टच है, अब हम इसको एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो हमारा कितना आगे बढ़ता है, 0.5 मिलीमीटर स्पेंडल आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो थ्रेड कटी होती है स्पेंडल पर वह 0.5 मिलीमीटर की कटी होती है। तो यहाँ पर हमारा जब 50 भागों की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है, तो हमारे क्लियर है, एक भाग की वैल्यू निकालने के लिए हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मान कितना आता है, 0.01 मिलीमीटर। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो क्लियर हो गया होगा सभी स्केल्स आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सिद्धांत के बारे में वह क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर दिया गया है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत, वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है, आपको पता होना चाहिए। माइक्रोमीटर के सिद्धांत की यदि बात की जाए, थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा,
सिद्धांत आधारित होता है। तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत आधारित होता है वह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आखिर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर यह कार्य कैसे करता है, मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो हमारा स्पैंडल होता है, स्पैंडल पर हमारी एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है, क्लियर है। और इस पर जो एक्सटर्नल थ्रेड की पिच होती है वह 0.5 सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, क्लियर है। अब बैरल की बात करें तो बैरल पर हमारा क्या होता है, बैरल पर इसी के मेच की हमारी इंटरनल थ्रेड कटी होती है। तो जो इंटरनल थ्रेड है वह हमारा क्या कहलाता है, नट कहलाता है, और जिस पर एक्सटर्नल थ्रेड है यानी कि स्पिंडल, वह हमारा बोल्ट कहलाता है। इस प्रकार यह पूरा काम करता है। इसकी पिच एक्यूरेसी पर यानी कि 0.5 आगे बढ़ेगा, हम एक राउंड घुमाएंगे अपने लीड या पिच की बराबर, क्योंकि यहां पर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। इसलिए जो हमारा माइक्रोमीटर है वह हमारे नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत को। तो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर हो, वर्नियर कैलिपर हो, वर्नियर डेप्थ गेज हो, कोई भी वर्नियर कैलिपर वन, ये सभी हमारे काम करते हैं दो स्केल के अंतर के सिद्धांत पर, यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। यहां पर माइक्रोमीटर की बात की गई है तो माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर निम्न रेंज में उपलब्ध होते हैं। तो यह 25 मिलीमीटर की रेंज में उपलब्ध होते हैं। इसकी फ्रेम पर जो है अंकित होता है कि यह कितने मिलीमीटर से कितने मिलीमीटर की रेंज में है, यानी कि बात की जाए तो 0 से 25 मिलीमीटर, या फिर 25 से हमारा 50 मिलीमीटर, या फिर हमारा 50 से 75 मिलीमीटर, इस प्रकार या 25 मिलीमीटर के रेंज में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न धातु का बना होता है। तो ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील का बना होता है इसका फ्रेम, तो यहां पर मिल जाता है बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोमीटर की यदि बात की जाए तो उसके एरर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह एरर से क्वेश्चन है, यहां पर पूछा है एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, सही पाठ्यांक लिया जा सकता है। तो यहां पर देखिए अपोजिट होता है, यहां पर दो एरर होता है जिसे जीरो एरर बोलते हैं। अब जीरो एरर हमारा दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है पॉजिटिव एरर एंड सेकंड होता है हमारा नेगेटिव एरर। तो दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे यहीं पर। यहां पर पूछा है एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर को सही पाठ्यांक कैसे लिया जाएगा। तो यहां पर दोनों का अपोजिट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि यदि नेगेटिव एरर का हमें पाठ्यांक सही लेना है और सही नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है और हमने उससे किसी वर्कपीस को मेजर किया और हमारा जो पाठ्यांक आता है यानी कि वास्तविक पाठ्यांक जिसे बोलते हैं, जब हम किसी वर्कपीस को मापते हैं तो एक्चुअल जो हमारा माप आएगी उसकी वह वास्तविक पाठ्यांक कहलाएगा। तो वास्तविक पाठ्यांक में हम क्या करेंगे, नेगेटिव एरर को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा नेगेटिव एरर है उसमें, इसलिए हम उसे प्लस करके ओरिजिनल जो माप है वर्कपीस का वह निकाल सकते हैं। तो यही इन्होंने पूछा कि सही पाठ्यांक कैसे लिया जा सकता है। तो नेगेटिव एरर को हम जोड़ते हैं, और बात की जाए यदि पॉजिटिव एरर की यहां पर, तो पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं, अपोजिट होता है, क्योंकि नेगेटिव एरर है तो वास्तविक रीडिंग में हम उसे ऐड करेंगे, यदि हमारा पॉजिटिव एरर है तो हम उसे वास्तविक पाठ्यांक में नेगेटिव पॉजिटिव एरर को माइनस कर देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट होता है। तो मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है। अब यदि आपको डिटेल्स में डीपली जानना है कि मीट्रिक वर्नियर कैलिपर के कितने लीस्ट काउंट होते हैं और इनको किस प्रकार निकाला जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, काफी पहले वीडियोस बनाई थी वर्नियर कैलिपर के लिए, तो डिटेल से वीडियो है सभी का। आपको 0.05 मिलीमीटर भी होता है इसका लिस्ट काउंट, 0.01 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर भी लिस्ट काउंट होता है, बट उसकी अलग अलग कंडीशंस होती है, यानी कि दोनों स्केल्स के मान दिए जाते हैं वहां पर होता है। बट कॉमनली यदि बात की जाए तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है। इसमें हमारा क्या होता है, मेन डिवीजन के 49 मेन डिवीजन हमारे 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। तो यहां पर हमारा क्या कहलाता है, यहां पर जो मान आएगा वह हमारा 0.02 मिलीमीटर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। ब्रिटिश प्रणाली की यदि बात की जाए तो हमारा 0.001 इंच इसका लिस्ट काउंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के एक भाग का वैल्यू क्या होती है? तो उसके एक भाग की वैल्यू जो होती है वह 0.025 इंचेस होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक क्या होगा? तो उसकी रेंज की जो शुरुआत होती है वही माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक होता है, यानी कि जब हमारा थिम्बल का जीरो बैरल की जीरो से क्लियरली मैच करता है, हमारा वह पूर्णतः एनविल बैकवर्ड पोजीशन में होता है, उसकी पूरी थ्रेड हमारे जो बैरल पर चढ़ी हुई होती है। अब जैसे जैसे ओपन करेंगे तो स्पिंडल आगे बढ़ेगा और उसकी थ्रेड जो है रिमूव होती जाती है। तो जीरो पाठ्यांक जैसे 50 से 75 का जीरो पाठ्यांक हमारा 50 मिलीमीटर होगा, एंड 0 से 25 मिलीमीटर का जो हमारा जीरो रीडिंग होगी वह 0 मिलीमीटर, 25 से 50 का हमारा 25 होगा, इस प्रकार इसकी जीरो पाठ्यांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है, तो मैंने क्लियर किया था 0.5 मिलीमीटर थ्रेड की पिच होती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर थ्रेड कटी होती है सिंगल स्टार थ्रेड, डबल स्टार थ्रेड या मल्टी स्टार थ्रेड, तो वहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं सिंगल स्टार थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि माइक्रोमीटर में आखिर जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्लियर कर दूं जीरो एरर का क्या अभिप्राय है, नॉर्मली तौर पर जब हमारा माइक्रोमीटर सही होता है उस कंडीशन में जब हमारे दोनों मेजरिंग फेस की बात करी जाए तो एक मेजरिंग फेस हमारा एनविल होता है एंड दूसरा जो मेजरिंग फेस होता है वह हमारा क्या होता है स्पिंडल होता है। जब हमारे दोनों मेजरिंग फेस क्या है आपस में संपर्क में होते हैं उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारे थिम्बल का जीरो डेटम लाइन पे यानी कि स्लीव की डेटम लाइन से मैच करना चाहिए। यदि वह मैच नहीं करता है, थिम्बल का जीरो ऊपर या नीचे होता है जब हमारे मेजरिंग फेस आपस में संपर्क में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है उस कंडीशन में वह माइक्रोमीटर में जीरो एरर होता है। तो यहां पर ऑप्शन आपको मिल जाता है डी नंबर का, जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीप पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है जीरो एरर कहलाता है। अब ये दो टाइप्स का है पॉजिटिव एरर एंड निगेटिव एरर, तो मैं वह भी आपको क्लियर कर देता हूं यहीं पर। पॉजिटिव एरर जब कहलाएगा जब थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से नीचे रह जाएगा यानी कि ब्लो रह जाएगा या फिर वह बोल सकता है पीछे रह जाएगा, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव एरर होता है। निगेटिव एरर की बात की जाए तो थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से ऊपर चला जाता है, एबव चला जाता है या फिर कहा जाए कि आगे निकल जाता है, उस कंडीशन में जो एरर होता है वह निगेटिव एरर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है, तो लॉक नट लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि जब हम पाठ्यांक को सेट करने के पश्चात जब हम किसी वर्कपीस का माप ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या करना होता है उस माप को लॉक करना होता है जिससे कि उस वर्कपीस से हम वर्कपीस को रिमूव करें उस कंडीशन में हमारा माप जो है हिले नहीं, तो इसके लिए हम लॉक मतलब सेट करने के पश्चात हम जो है उसके स्पिंडल को लॉक करने के लिए हमारा लॉकिंग स्क्रू होता है। क्लियर है? लॉकिंग नट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है, तो रैचेट स्टॉप किस लिए सहायक होता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब हम किसी वर्कपीस का माप लेते हैं और वर्कपीस का माप लेते समय जब प्रेशर कंप्लीटली पूरा हो जाता है, हमारे फेस संपर्क में आ जाते हैं और प्रॉपर फेस जो है संपर्क में आ जाता है, तो हमारे जो रैचेट स्टॉप है उसमें बटरस थ्रेड कटी होती है, तो बटरस थ्रेड कटी होने के कारण वह स्लिप कर जाती है और स्लिप करते टाइम वह टर टर की आवाज करने लगती है। जब हमारी आवाज आने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि अब हमें और प्रेशर नहीं देना है, कॉन्टेक्ट में आ चुका है हमारे मेजरिंग सरफेस और जो है प्रॉपर प्रेशर हो चुका है, तो इस प्रकार हमारा रैचेट स्टॉप जो है प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको क्लियर किया वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत है वह दो स्केल्स के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन का मान एंड एक वर्नियर स्केल डिवीजन के मान को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कहते हैं। तो यहां पर फर्स्ट देख सकते हो वन मेन स्केल डिवीजन का मान एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन के मान को यदि आपस में माइनस किया जाए तो वहां पर हमारा लीस्ट काउंट अल्पतमांक फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि किसी माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर की नेगेटिव एरर वाला माइक्रोमीटर हमको दिया गया है और हमने किसी वर्कपीस का माप लिया तो वहां पर जो हमारी माप है वह 40.53 मिलीमीटर माप देता है, तो सही पाठ्यांक क्या होगा? तो मैंने आपको क्लियर किया, जब हमारा नेगेटिव एरर होता है तो नेगेटिव एरर में हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट यानी कि प्लस करते हैं, तो हमारा वास्तविक रीडिंग कितना है 40.53, तो इसमें हम 0.03 को प्लस करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वह 40.56 आएगी। तो एग्जैक्टली हमारा सही पाठ्यांक क्या होगा, 40.56। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के वेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है, तो 0.01 मिलीमीटर मैंने आपको क्लियर किया, इसके 50 डिवीजन होते हैं तो इसको एक कंप्लीटली राउंड जब होता है तो 0.5 मिलीमीटर आगे या फिर पीछे जो है आपका स्लाइड करता है स्पिंडल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए गए वर्नियर कैलिपर के चित्र में अंकित भाग की पहचान कीजिए, तो ये हमारी बीम स्केल होती है, क्लियर होना चाहिए, ये आपका मूवेबल जा है, फिक्स्ड जा है, यानी कि यह इंटरनल डाय को चेक करने के लिए मूवेबल जा, इंटरनल डाय को चेक करने के लिए फिक्स्ड जा, या आउटर डायमीटर को चेक करने के लिए फिक्स्ड जा एंड इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए मूवेबल जा, या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है जिससे फाइन एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो यह सभी पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए, यह आपकी डेप्थ बार है। तो यहाँ पर एक्स जो अंकित है वह हमारा बीम स्केल कहलाती है, इसी के ऊपर हमारा जो मूवेबल जा है वह स्लाइड करता है, वर्नियर स्केल हमारी स्लाइड करती है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यह आपके वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियोस आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियोस आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक फ्रेंड्स जरूर कर दीजिएगा करिए, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।